शिक्षा न्यूज के क्रम में आज हम लोग देखने वाले हैं महत्वपूर्ण खबरें, और उनमें से पहली खबर है आज यानी 23 अगस्त को सभी विद्यालय बंद रहेंगे, क्योंकि इसके लिए एक शासनादेश जारी किया गया है। हालांकि जिला लेवल पर भी ये शासनादेश जारी हो चुका है, तो देखते हैं किस कारण से ये विद्यालय या अन्य जो बैंकिंग वगैरह सभी कुछ बंद रहेंगे। तो श्री कल्याण सिंह, भूतपूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और भूतपूर्व राज्यपाल राजस्थान एवं हिमाचल प्रदेश के निधन पर राजकीय शोक मनाए जाने के संबंध में, तो यहाँ पर साफ किया गया है कि सूचे श्री कल्याण सिंह जी, भूतपूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश एवं भूतपूर्व राज्यपाल राजस्थान एवं हिमाचल प्रदेश का निधन 21 अगस्त 2021 को हो गया है। स्वर्गीय कल्याण सिंह का के अंत्येष्टि संस्कार 23 आठ 2021 को संपन्न होगा। स्वर्गीय कल्याण सिंह अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के निवासी थे, अतः उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संपूर्ण उत्तर प्रदेश के दिनांक संपूर्ण उत्तर प्रदेश में दिनांक 23 अगस्त 2021 को एक दिन का सार्वजनिक अवकाश और 3 दिन के राजकीय शोक। इस अवधि में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा तथा राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि संस्कार किए जाने की घोषणा की गई है। शासन द्वारा दिनांक 23 अगस्त को पूरे प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश घोषित किए जाने के निर्णय लिया गया है। इस तिथि को प्रदेश के समस्त राजकीय कार्यालय, कोई भी राजकीय कार्यालय हो, राजकीय समस्त शिक्षण संस्थाएँ एवं बैंक और जो भी इस टैग के जो ऑफिस हैं सभी बंद रहेंगे धारा 25 के अंतर्गत। अतः शासनादेश 21-8-2021 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित 1-8 तक के परिषदीय एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयों और अन्य बोर्डों के विद्यालयों में दिनांक 23 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश रहेगा, तो ये साफ किया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट जो खबर है वो है स्थानांतरण से पहले होगा शिक्षकों का समायोजन। तो पहले समायोजन किया जाएगा, उसके बाद में उनके स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो यहाँ देखते हैं परिषदीय स्कूलों में एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में होने वाले शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर तैयारियां शुरू होने लगी हैं। शासन से इसी सप्ताह ट्रांसफ़र की पॉलिसी आ जाएगी, जिसमें शिक्षकों के समायोजन करने के भी आदेश हैं। स्कूलों में छात्र एवं शिक्षकों की संख्या का अनुपात देखा जाएगा। शिक्षकों का समायोजन स्थानांतरण की पॉलिसी ने शिक्षकों को राहत के साथ साथ मायूस भी किया है, और बेसिक शिक्षा विभाग के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों के एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में स्थानांतरण होने, शासन द्वारा भी इसे हरी झंडी दे दी गई है, केवल आदेश आने बाकी रह गए हैं। स्थानांतरण पॉलिसी में शिक्षकों के समायोजन होने का भी जिक्र किया गया है। बताया गया है कि स्कूलों में सबसे पहले छात्र एवं शिक्षकों की संख्या देखी जाएगी, और इसके बाद जो सरप्लस शिक्षक आ रहे हैं उनका समायोजन दूसरे स्कूलों में किया जाएगा। इसके बाद शिक्षकों के एक दूसरे ब्लॉक में स्थानांतरण किए जाएंगे। शासन ने पॉलिसी अभी जारी नहीं की है, मगर समायोजन को लेकर शिक्षक अभी से परेशान होने लगे हैं। ऐसे में शिक्षक अभी से परेशान दिख रहे हैं, क्योंकि पिछले वर्ष जो समायोजन हुआ था उसमें करीब 800 से अधिक शिक्षकों को दूर दूर के स्कूलों में जाना पड़ा था, मगर बाद में कोर्ट गया तो वहाँ से समायोजन का निस्तारण कर दिया गया था। अब चलते हैं जो विद्यालयों के प्री प्राइमरी स्कूल की तरह आंगनबाड़ी केंद्रों के में प्ले स्कूल खोलने की बात की गई है। तो इसमें सभी जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनमें प्ले स्कूल जो प्राइमरी से नीचे होते हैं, यानी कि प्री प्राइमरी कह सकते हैं, जो संचालित करने की तैयारी है। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग की संयुक्त पहल पर यह व्यवस्था लागू की जा रही है। जिले के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इसके लिए प्रशिक्षित भी किया जा चुका है। गाँवों में आंगनबाड़ी केंद्र बहुत पहले से बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है, लेकिन इसके स्वरूप को बदलने की कवायद हो रही है, जिसको लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता में उत्साह है। प्ले स्कूल की तरह होगी व्यवस्था। प्री प्राइमरी में भी 3 से 6 साल के बच्चे पढ़ेंगे। उन्हें चित्र, कार्टून, कठपुतली के अलावा खेल खेल में पढ़ाया जाएगा, जिससे उनके बौद्धिक स्तर को बढ़ाया जा सके। या निजी विद्यालयों के प्ले स्कूल में जो व्यवस्था होती है उस तरह की व्यवस्था देखेगी। कुछ सामान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सौंप दिया गया है। 52 केंद्रों के लिए बनाए जाएंगे भवन। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बैठने व अन्य व्यवस्थाओं के लिए सरकार ने 52 केंद्रों के लिए भवन निर्माण कराने के लिए बजट जारी किया है। जिले के सभी 16 ब्लॉकों में 2 से 4 केंद्र बनाए जा रहे हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट जो खबर है उसको लेते हैं। तो यहाँ पर नामांकन कराने की यदि बात की जाए तो
तो वहाँ पर बच्चे नामांकन कराने स्कूल में नहीं आएंगे, अभिभावक आएंगे स्कूल और वो नामांकन कराएंगे पर्षदीय विद्यालयों में। इन पर विशेष ध्यान रहेगा। तो देखते हैं किन बिंदुओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। गोरखपुर शासन ने स्कूलों को खोलने के साथ ही कोविड को भी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि नामांकन में बच्चों का आना अनिवार्य नहीं है, सिर्फ अभिभावकों को ही बुलाया जाए। यदि विद्यार्थी परिवार की सहमति से घर पर ही पढ़ना चाहता है तो उसे अनुमति दी जाए। साथ ही शिक्षकों छात्रों के नियमित स्वास्थ्य जाँच की भी व्यवस्था की गई है। माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक के पढ़ाई शुरू होने के साथ ही शासन कक्षा 6 से 8 तक 1 सितंबर से 1 से 5 तक के सभी स्कूलों को कोविड गाइडलाइन के तहत संचालित करने का निर्देश पहले ही जारी कर चुका है। निर्देश में स्पष्ट रूप से स्कूलों में साफ सफाई और हाथ धोने की व्यवस्था करने को कहा गया है। कोविड के तहत गठित निगरानी समितियों में शामिल सदस्य जिनके पास डिजिटल थर्मल स्कैनर व ऑक्सीमीटर हैं उनसे इसे मंगवाया जा रहा है। साथ ही स्कूल के शिक्षक शिक्षणेतर कर्मचारी रसोईया चतुर्थी कर्मचारी छात्र छात्राओं के अभिभावकों का 100% टीकाकरण कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। अब बात करते हैं जिन पर ध्यान रहेगा, जिन पर विशेष जोर देने की आवश्यकता है, उन बिंदुओं को हम देखते हैं। तो यहाँ पर कक्षा होना चाहिए, कक्षा में फर्नीचर स्टेशनरी सभी का होना सैनिटाइजेशन किया जाएगा। अधिक छात्र संख्या वाले विद्यालय को 2 पालियों में संचालित किया जाएगा। प्रत्येक गतिविधि में 6 फीट की दूरी का ध्यान रखा जाएगा। समारोह व त्यौहार का विद्यालय में न हो आयोजन नहीं किया जाएगा। माता पिता की सहमति अनिवार्य होगी। प्राथमिकता पर कर्मियों और अभिभावकों का 100% टीकाकरण किया जाएगा और विद्यालय परिसर की प्रतिदिन सफाई होगी और सफाई अभियान में बच्चों को लगाने पर रोक रहेगी, बच्चे सफाई अभियान में नहीं लगेंगे। जिले के समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों प्रधान अध्यापकों को सैनिटाइजेशन व साफ सफाई के निर्देश दिए गए हैं। स्कूल खोलने पर कोविड गाइडलाइन का पालन अनिवार्य होगा। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों की सुरक्षा भी जरूरी है। आरके सिंह, BSA। अब देखते हैं नेक्स्ट जो न्यूज है वो ये है कि शिक्षक भर्ती में CTET के फर्जी अंक पत्र से शिक्षक बना अध्यापक बर्खास्त। तो जो CTET के फर्जी अंक पत्र से शिक्षक बना उसको बर्खास्त कर दिया गया है। तो देखते हैं कहाँ का मैटर है और कौन शिक्षक था जिसको बर्खास्त किया गया है। तो मामला है अम्बेडकर नगर का। उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर जिले में बेसिक शिक्षा विभाग में आमतौर पर फर्जी अभिलेखों के आधार पर नौकरी करने के तो कई मामले सामने आते रहे हैं, लेकिन अध्यापक भर्ती परीक्षा का ही फर्जी अंक पत्र लगाकर नौकरी प्राप्त कर लेने के मामले यदा कदा ही सामने आते हैं। अम्बेडकर नगर जिले में एक शिक्षक द्वारा किए गए इस फर्जीवाड़े का खुलासा हो जाने के बाद जहां से उसे बर्खास्त कर दिया गया वहीं प्राथमिकी भी यानी कि FIR भी दर्ज कराई गई है। रिकवरी की भी बात की जा रही है, कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बताया जाता है कि उक्त शिक्षक के विरुद्ध यह कार्रवाई लगभग 6 माह पूर्व ही हो जानी थी, लेकिन अब तक विभाग में मौजूद रहे उसके आकाओं ने मामले को दबाए रखा। जिले में बेसिक शिक्षा विभाग के मुखिया और खंड शिक्षा अधिकारी की तैनाती में बदलाव आने के बाद अंततः आरोपी शिक्षक के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अकबरपुर शिक्षा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय सिकरोहर में सहायक अध्यापक पर तैनात यह मामला अकबरपुर शिक्षा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय सकरोहर में कार्यरत रहे सहायक अध्यापक के दुबे से संबंधित है। पूर्व में शिक्षा मित्र रहे के दुबे भी सपा शासनकाल के शिक्षक बन गए थे। इस दौरान उन्हें प्राथमिक विद्यालय चंदनपुर हरिपुर व प्राथमिक विद्यालय वरियावन में तैनात किया गया था। उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद सभी को पुनः शिक्षा मित्र बना दिया गया और वह वरियावन में ही शिक्षा मित्र के रूप में कार्य कर रहे हैं। वह लंबे समय से एक तरफ शिक्षा मित्र संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं। वह लंबे समय तक शिक्षा मित्र संघ के अध्यक्ष रहने के साथ साथ वह समय समय पर अधिकारियों पर रौब भी जमाते रहे हैं। CTET का फर्जी अंक पत्र लगाने SuperTET परीक्षा में प्रतिभाग करने की शिकायत 15 दिसंबर 2020 को जिलाधिकारी से की गई थी, जिसकी जाँच ATVC कर रहे थे। ऑनलाइन जाँच में CTET का अंक पत्र फर्जी पाया गया। ऑनलाइन जांच में CTET का अंक पत्र फर्जी जब पाया गया तो उस कारण उनका अनुक्रमांक के सारे वह शिक्षक बने थे। जांच में वह अनुराग पांडे का निकला, जबकि होना इनके नाम का चाहिए था।
और साथ ही क्वालिफाई अंक 90 के स्थान पर 52 निकला, मतलब फेल वाला सर्टिफिकेट था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कराई गई जांच में फर्जीवाड़े की पुष्टि हो गई। लूटे 3.25 लाख रुपए फर्जीवाड़े के बाद बीएससी अतुल सिंह ने कार्रवाई करने का आदेश जारी कर दिया है और उन पर कार्रवाई चल रही है। अब देखते हैं नेक्स्ट खबर, बेसिक शिक्षकों व कर्मचारियों के रिटायरमेंट लाभ हेतु विकल्प पत्र भरे जाने के संबंध में आदेश जारी किया गया है। इससे पहले भी ये आदेश जारी कर दिया गया था और ये 2-3 बार हो चुका है, लेकिन अभी तक शायद विकल्प फॉर्म नहीं भरवाए गए, उसी कारण से फिर से ये विकल्प फॉर्म के संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी, ये वीडियो आपको उपयोगी लगा होगा।